अरे बाप रे बाप, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि विंटर कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। अरे कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है भैया। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या है, यहाँ पे इतनी सारी बर्फ कैसे आ गई? ओए मुन्ना, तेरी आंखें खुल गई, क्या बात है। ओए स्वागत है। अरे भैया बस कर ड्रामा, ये बताओ ये बर्फ कहाँ से लेकर आ गए तुम? अरे ये बर्फ मैं लेकर आया हूँ ट्रक में भर के, गधा काई का। ये बर्फ का तूफान आया था रात में। अरे भैया बर्फ का तूफान आ गया रात में और मुझे पता भी नहीं चला रातों रात में। ओए ऐसी तुझे कुछ नहीं पता चलता है नुबड़ा काई का आलसी। अरे भैया फालतू नहीं बोलने का, वैसे बर्फ ने तो भैया सब कुछ ढक दिया है और कितना सब वाइट वाइट दिख रहा है। ओए इसीलिए तो मैंने और सिंचन ने आग जला रखी है। क्यों सिंचन? अरे जैक भी बिल्कुल सही कहा तुमने, आग जलाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे वो तो ठीक है, ये बताओ ये बर्फ आई तो आई कैसे? ओए बता दो तूफान से आई। ओए बर्फ का तूफान आ गया रात में। अरे यार ये कैसे बर्फ का तूफान आ गया? न्यू ईयर आ गया क्या भैया? ओए बस आने ही वाला है। अच्छा समझ गया गाइस, यार ठंड आने वाली है, मतलब ठंड आई गई वैसे तो, और ये बर्फ का तूफान भी साथ में आ गया। चलो गाइस ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है कि ओए गधे कहीं के, ये बैड न्यूज है क्योंकि ये तूफान रुकने वाला नहीं है। अरे यार भैया ये तुम्हारी भूख है क्या जो रुकेगी नहीं? कैसी बात करते हो? ओए मुन्ना जरा ऊपर से देख क्या क्या नजारा है। अच्छा चलो गाइस ऊपर से देखते हैं। ओ भाई मुझे लगा कि अपने घर की साइड खाली बर्फ गिरी होगी, लेकिन ये क्या भाई पूरा का पूरा लॉस सैंटोस वाइट हो गया। ओ नो गाइस, अगर यार ये बर्फ तो कुछ जभी तो मैं सोचूं इतनी ठंड क्यों लग रही थी मुझे रात में। ये क्या गाइस, बहुत ही ज्यादा मामला गड़बड़ हो रखा है। ओ नो अभी क्या करना है, ये गेट पे कौन आ गया? ओए मुन्ना गेट पे देख कोई आया है। अरे भैया जा रहा हूँ यार देखने। और ये कौन भाई? अरे लॉस सैंटोस की पुलिस, क्या काम हुआ? अरे हमें हमारे पास एक बहुत ही खतरनाक खबर है। हमारे मौसम विभाग ने बताया कि लॉस सैंटोस में आज के दिन कभी भी एक बहुत ही बड़ा तूफान आ सकता है, जिसको हमने नाम दिया है स्नो तूफान 2.0। अरे ये क्या बर्फ का तूफान 2.0? बाप रे बाप, ये कम तूफान आया था क्या? अरे ये तो बच्चा तूफान था, अब जो आएगा उसका पापा तूफान, वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होगा। अगर वो तूफान आया तो वो पूरे लॉस सैंटोस को ढक देगा बर्फ के अंदर। अरे ये कैसी बात कर रहे, मजाक करना बंद करोगे? हम मजाक नहीं कर रहे, हम सही बोले हैं, और हम इसलिए हैं तुम्हें बताने के लिए कि तुम अपने घर में रहो और ढेर सारा खाना और लकड़ियां जमा करके रखो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे, ठीक है? उसके बाद रेड अलर्ट जारी होने वाला है। अच्छा रेड अलर्ट हो जाएगा? हाँ हाँ रेड अलर्ट हो जाएगा। अरे यार ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई भैया। ओए मुन्ना क्या हो गया? ए भैया रेड अलर्ट लगने वाला है लॉस सैंटोस के अंदर। पुलिस वाले अंकल ने बोला कि ढेर सारा खाना जमा कर लो और अपने कपड़े वगैरह भी रख लो और साथ में लकड़ियां भी। ओए मुन्ना लकड़ियां तो बस इतनी थी और जो कि हमने सिंचन ने जला दी। अरे यार जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा मजा भी आया और साथ में हमने खाना भी खा लिया। अरे ये क्या, तुम दोनों ने पहले खाना पीना सब लकड़ जला के खत्म कर दिया, अभी क्या करें भैया? ओए मुन्ना अगर रेड अलर्ट लग गया तो हम निकल नहीं पाएंगे घर से, ओए फिर तो भूखे रह जाएंगे। अरे भैया उसने बोला कि यहाँ पे 2.0 तूफान आने वाला है। अबे ये क्या तूफान आ रहा है, 2.0 तूफान? हे भैया पहले से भी ज्यादा खतरनाक। ओए क्या बात कर रहा है। हे गाइस अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा मार्केट में और बहुत सारे कपड़े लेने हैं गरम, और साथ में मुझे तो इनर वगैरह बाय करनी है, सबके लिए मैं इनर जैकेट वगैरह लेते हैं, और फिर हमें फूड भी लेना है। ओए मुन्ना चल इससे पहले रेड अलर्ट लग जाए। हे भैया थोड़ी देर के अंदर पूरा का पूरा लॉस सैंटोस बंद हो जाएगा, अगर बाहर जो दिखा वैसे उसकी कुल्फी जम जाएगी, बाहर निकलेगा ही कौन क्यों। ओए मुन्ना चल जल्दी। हे भैया मैं तो चल ही रहा हूँ यार, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई भैया। मैंने सोचा नहीं था कि लॉस सैंटोस में भी कभी ऐसा हो सकता है। ओए सोचा तो किसी ने भी नहीं था, लेकिन हो गया ना। अरे हाँ यार हो तो गया, पूरा देखो यार कितनी बर्फ ही बर्फ जम गई है। ओए मुन्ना तुझे पता है इधर के बहुत से लोग भाग भी चुके हैं। अरे भैया कहाँ भाग गए? ओए दूसरे सिटी में। अरे भैया दूसरी कंट्री में? ओए हाँ वही कंट्री में जहाँ पे गर्मी पड़ती है मुन्ना,
अरे यार क्योंकि यार इनके पास बहुत ही सारे पैसे हैं, ये सारे तो भग गए होंगे, लेकिन गाइस हम अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते। ओए मुन्ना क्या बोलता, हम भी चले क्या? ए भैया अपन नहीं जा सकते घर छोड़ के, भैया हम करेंगे अपने घर में सर्वाइव। ओए सर्वाइव वाले बात ही छोड़ दे, अगर तूने 2.0 का तूफान देखा नहीं कितना डेंजर आता है, अगर मुन्ना वो वाला तूफान आ गया ना तो पूरा लॉस सैंटोस बर्फ से ढक जाएगा। ओए मेज बैंक बिल्डिंग जितनी ऊंची बर्फ जम जाएगी। अरे भैया कुछ भी मजाक करते हो। ओए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ भैया देखेंगे क्या सीन है, लेकिन सबसे पहले अभी हमें कपड़े चाहिए यार, गरम। ओए गरम कपड़े चाहिए तो मुझे अर्बन से ले चल मुन्ना, अर्बन स्टोर से। अच्छा ठीक है, सब अर्बन वाले ड्रेस लेने चलते गाइस। अर्बन वाली शॉप किधर थी? ओए मुन्ना नीचे की साइड में होती है अर्बन वाली, उसके बहुत ही सही फैंसी कपड़े होते हैं। हाँ भैया ये बात तो तुमने सही की, चलो यार अर्बन के पास चलते हैं। ए सिंचन कुछ बोलो यार। अरे यार मेरी तो कुल्फी जम रही होगी भैया। अरे यार गाड़ी का हीटर तो चालू है तब भी ठंड लग रही तुम्हें? हाँ थोड़ी बहुत तो ठंड लगी रही हीटर में भी। ओए मुन्ना गाड़ी का हीटर है, याद है मुझे घर का हीटर भी ठीक करवाया कि नहीं करवाया तूने? अरे यार भैया घर का हीटर तो ठीक ही होगा, खराब कैसे हो जाएगा? ओए मैंने चेक नहीं करा बस इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे भैया ठीक है, वैसे बहुत सारी लकड़ियाँ का भी बंदोबस्त कर ही लेंगे। चलो गाइस सबसे पहले हमें दो चीज़ का इंतजाम करना है, उसके बाद लकड़ी वगैरह बाद में देखेंगे। ओए मुन्ना लकड़ी जरूरत नहीं, अगर हीटर काम कर गया तो। अरे हाँ भैया चलो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं सब अर्बन शॉप पे, और यहाँ पे चला शॉपिंग कर ली जाए। भैया तुम दोनों यहाँ पे रुके। ओए मैं तो आने भी नहीं वाला था बाहर। भैया पता था तुम्हें ठंड भी लग रहा है। तो गाइस फाइनली हम शॉप में आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लेने वाले हैं बहुत सारे इनर्स जिसे हम पहन सकेंगे अंदर, और हमें ठंड वगैरह नहीं लगेगी। यहाँ पे बहुत सारे गर्मी के कपड़े ना, ठंडी वाले कपड़े सही है। वैसे यार इधर की कलेक्शन कुछ और ही होती है, और क्या मस्त लगती है, मस्त मस्त जैकेट वगैरह भी है। चलो यार मैं ऐसा करता हूँ अपने लिए इनर पैक करा देता हूँ मस्त वाली, ताकि गर्म रहे अंदर से वो, और मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। हे सर हमारे लिए 3 इनर और साथ में 3 लैगी और 3 सूज भी पैक कर दो, सॉक्स पैक करना, सूज रहने दो, सॉक्स तो है मेरे पास। ओके सर मैं अभी आपके लिए पैक कर देता हूँ। हे चलो फाइनली गाइस हमारी कपड़े की शॉपिंग तो यहाँ पे डन होती है, अब हमें चलना चाहिए शॉपिंग के लिए। सर आपका बिल होता है $300। अरे हाँ $300 ये लो, मैं अभी तुम्हें देता हूँ गूगल पे करके। थैंक यू सर, वापस आना सर। हाँ ठीक है चलो गाइस फाइनली हमने कपड़े तो ले लिए और गाड़ी के अंदर कपड़े रख दिए है, और अभी हम चलते हैं क्या लेने? ओए मुन्ना गन लेने चलते हैं। अरे बाप रे भैया गन क्या करोगे? अरे तुझे पता नहीं कोई भी हमारा खाना छीन सकता है? ओए सेफ्टी के लिए तो कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि मुन्ना ओए लॉकडाउन लगने वाला है ना। अरे हाँ गाइस यार लॉकडाउन लग जाएगा तो पुलिस भी हमारे घर तक नहीं आ पाएगी, तो कुछ यहाँ लॉस सैंटोस के जो गैंगस्टर है वो कहीं हमारे घर पर अटैक ना कर दे खाना छीनने के लिए। तो भैया ने वैसे बात तो सही की है, चलो यार फाइनली अभी हम पहले गन ही ले लेते हैं, कोई छोटी मोटी सी गन लेते हैं। ओए मुन्ना ऐसी मैं तेरे को आइडिया सही देता हूँ। ए भैया आइडिया तो सही है, लेकिन गाइस थोड़ी देर में टाइम आउट होने वाला है, इससे पहले लॉकडाउन लगे और रेड अलर्ट वाला लॉकडाउन है, मतलब कि रोड पे कोई भटक नहीं सकता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगा। लेकिन उससे पहले भैया गन ले लेते हैं। ओए मुन्ना जल्दी कर, तू गाड़ी बहुत स्लो चला रहा है। अरे भैया बर्फ में उड़ा दूं क्या गाड़ी, पता चले एक्सीडेंट हो जाएगा। ओए चल कोई नहीं जल्दी ले क्या गन। ओए SMG कोई लेकर आई हो? हाँ ठीक है भैया मैं SMG ले लूंगा। चलो यार तुम दोनों यहाँ पे वेट करो, मैं अभी 2 मिनट के अंदर आता हूँ। यूं गया और यूं आया बस। फाइनली गाइस मैं शॉप के अंदर आ गया। हेलो सर कौन सी गन चाहिए सर? अरे रे मैं खुद ही देख लेता हूँ, मुझे चाहिए SMG मॉडल में, जो कि यार ज्यादा खतरनाक नहीं हो, बस सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे एक गन चाहिए होगी। ओके गाइस। अरे सर आपके लिए मैं एक मस्त गन दिखाता हूँ, जो कि गन भी और साथ में SMG में, ये देखो। अरे यार गाइस यार ये गन इसने पकड़ा दी है जो कि काफी अच्छी तो लगी रही है। अरे सर आप गन की टेस्टिंग तो कर लीजिए। हाँ ये बात तो तुमने सही की, चलो गाइस यहाँ पे टेस्टिंग बोर्ड भी लगा हुआ है, इस गन की टेस्टिंग करते हैं आखिरकार ये कैसी है SMG, जो कि दिखने में तो रिवॉल्वर गन की तरह है लेकिन SMG की तरह काम कर रही है।
वाह यार, इसके अंदर ब्रस्ट मोड है, देखो गाइस ऐसे एक बार में 5-6 राउंड चल रहे। चलो यार ये वाली गन तो मुझे काफी अच्छी लगी। अरे सर जल्दी आइए सर। अरे क्या हो गया? बस साइट राउंड टेस्टिंग कर रहा था। अरे सर ये सुनिए, न्यूज में क्या चल रहा है, लॉस सैंटोस के अंदर जितने भी लोग थे 5 मिनट के अंदर लॉकडाउन लग जाएगा और फटाफट से सभी लोग अपने घरों में अंदर घुस जाइए, उसके बाद ही सारा लॉकडाउन लग जाएगा। अरे सर ये क्या हो गया? अरे सर जल्दी बाय करिए, मुझे शॉप भी बंद भी करनी है। अरे यार ये क्या, गन ली नहीं हो शॉप भी बंद करनी है? ओ नो यार। अरे यार ये क्या भैया? ओए मुन्ना जल्दी आ, अबे मैं गाड़ी के अंदर छुप गया था। अरे भैया क्या हुआ? ओए यहाँ पे पुलिस आई थी। अरे यार भैया क्या बात करे, अबे तुझे रोड दिख नहीं रहे क्या? पूरे के पूरे खाली हो चुके हैं। अरे यार भैया सही कहा, रोड तो पूरे खाली हो गए, लगता है लॉकडाउन लग गया। ओए तूफान आना चालू हो चुका है मुन्ना, देख थोड़ी थोड़ी हवा पता चल रही होगी। अरे भैया तूफान आने वाला है, लेकिन अभी अपनी शॉपिंग तो कम्प्लीट नहीं हुई। ओए अब क्या रह गया लेने का? अरे यार भैया अब हमें चाहिए स्टोर से अपने लिए फूड का सामान, तो लिया नहीं सबसे जो कि मेन चीज है। अरे यार भैया तुम्हारी गन में ज्यादा टाइम लग गया टेस्टिंग वगैरह करने में। ओए मुन्ना ये गड्ढे को क्या हो गया? अरे यार भैया लगता है बर्फ से रोड जमने लग गई है। ओ नो गाइस यहाँ पे तो गाड़ी भी नहीं चल रही अभी। ओए मुन्ना ढंग से चला क्या कर रहा है, ठुकेगा खंबे में। आ ये ठोक दिया। अरे भैया मैंने ठोका नहीं है, गाड़ी अब चल नहीं रही है बर्फ के ऊपर, देर हो कैसे चल रही है? ओए मुन्ना उल्टा करके चला ऐसा का। अरे यार रुकी भैया जल्दी करो, कहीं पुलिस वालों ने हमें देख लिया तो वो हमें जेल में डाल देंगे। अरे मुझे लगता है सिंचन पुलिस वाले भी यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि अब तूफान आने वाला है। तूफान आते ही गाइस यार ये पूरा का पूरा बर्फ से ढक जाएगा और हम भी बर्फ के अंदर ही दब जाएंगे। ओए मुन्ना इसलिए बोला जल्दी कर। अरे भैया रुकोगे यार, ये गाड़ी तो कुछ ज्यादा खतरनाक चल रही गाइस यार, पूरा रोड एकदम आईसी रोड बन चुका है। ओए मुन्ना क्या कर रहा है तू, पागलों की तरह गड्डी चलाना बंद कर दे पहले। अरे यार भैया मैं पागलों की तरह नहीं चला रहा हूँ, ये रोड पे गाड़ी फिसलने लग गई, पहले नहीं फिसल रही थी। गाइस लगता है बर्फ इसके ऊपर जम चुकी है रोड पे, जिसकी वजह से ये तो पूरा आईसी रोड हो चुका है। ओए मुन्ना वो देख शॉप आ चुके सुपर मार्केट, जल्दी जा फूड वाला सामान भर ले। अरे यार वो देख शॉप तो लग रहा है बंद है। अरे सिंचन मैं चेक कर लेता हूँ यार, ये वाली शॉप बंद है क्या? नो गाइस ये वाली शॉप भी बंद कर दी, अब ऑर्डर कैसे मैं दूंगा? ये लो कोई है अंदर क्या? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, लगता है बंदे शॉप बंद करके भाग गए। ओए मुन्ना जल्दी चल दूसरी मार्केट में चलते हैं। अरे यार सुपर मार्केट दूसरी देखते हैं। गाइस हमें शॉप तो ढूंढनी पड़ेगी खाना ढूंढने के लिए। ओए मुन्ना तू पहले ट्रक तो ढंग से चला ले। अरे यार भैया रुको यार, मुझे शॉप ढूंढनी है। गाइस हमें एक और सुपर मार्केट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे। ओए मुन्ना सही कहा, अबे तू तो ये कर क्या रहा है? अरे भैया तुम छुप रहोगे? गाड़ी मैं चला रहा हूँ, आए बड़ा बोलने वाले। ओए हमें सुपर मार्केट जाना है। ए गाइस मेरे लिए हमें सुपर मार्केट जाना है, लेकिन अभी देखो ट्रक सही चल रहा है, लगता है भैया व्हील सही हो गए। अरे रे 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 रे, रुक जा ब्रेक लग जा, ब्रेक लग जा, ब्रेक लग जा। फाइनली गाइस हमें सुपर मार्केट जाना है, और यार ये गाड़ी अब थोड़ी सही हो गई, क्योंकि हमने थोड़े टायर में चाकू से यार मैंने कट मार दिया, जिससे थोड़ी ग्रिप अच्छी बन रही है पहले से। अब बर्फ में फिलहाल अपनी गाड़ी ठीक ही चल रही, पहले से तो अच्छी है। अरे रे रे रे, ब्रेक लग जा, ब्रेक लग जा। ओए मुन्ना पहले तो स्पीड तेज मत कर। अरे यार भैया नहीं स्पीड में तेज कर रहा यार, ये देखो कितने आराम से पहुंच रही। ओए मुन्ना ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। अरे भैया आ गए क्या? ओए पहुंच गए। अरे ब्रेक तो लगा दिया, ब्रेक लगने के बाद भी भैया फिसलते हुए गाड़ी कहाँ जा रही है? ओए क्या कर रहा है नुबड़े कहके, सुपर मार्ट बस आ चुका है। मुन्ना मोड़ इधर। अरे भैया मोड़ना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज लग रहा है अभी तो। गाइस दे रो गाड़ी पूरी की पूरी मुड़ जा रही है। ओए क्या कर रहा है? अरे यार भैया तुम चुप रहोगे, मुझे अपना काम करने दो। फाइनली गाइस बोरी अपनी सुपर मार्ट, मुझे सुपर मार्ट के पास जाना है। ओ नो 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 नो, अबे फिर से ठुक गई। ओए मुन्ना एक बार ठुकने पे कितनी बार गोल गोल घूम रही है? अरे भैया क्योंकि ये पूरा आईसी रोड हो चुका है। अरे यार होगी भैया, मुझे तो इधर डर 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 लग रहा है। अरे वो क्यों सिंचन, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? हाँ डराऊंगा मैं इस शॉप को। ए अंकल दरवाजा खोल दो। बेटा दुकान बंद है, कोई नहीं अंदर आ सकता। ए अंकल ये लो दुकान तो मैंने खोल दी। अरे बचाओ बचाओ मुझे। ए दोस्तों फाइनली मुझे दुकान को तोड़ना पड़ा। अरे बेटा मुझे छोड़ दो, जो लेना ले लो।
मेरे को ये करना नहीं था, लेकिन गाइस मुझे कैप अपना जान बचाने के लिए फूड लेना ही पड़ेगा। फटाफट से फूड अपने ट्रक में लोड करते फिर हम सीधा निकलेंगे घर की ओर। ओए मुन्ना जल्दी सब कुछ भर ले। गाइस फटाफट से सारा कुछ हम भरते हैं और गाइस हमने ट्रक के अंदर सारा सामान भर लिया खाने का। कम से कम ये एक हफ्ते का सामान हमने भर लिया खाने का, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अरे यार होगी भैया जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है। अरे यार सिंचन तुम्हें अब डर क्यों लग रहा, अभी तूफान आने में टाइम है। अरे यार तूफान का नहीं, मुझे बलास गैंग का डर लग रहा है। अरे बलास गैंग का डर क्यों लग रहा है तुम्हें? अरे क्योंकि ये गैंग वाली जगह पे हम घूम रहे हैं, इससे पहले उन लोगों को पता चले और हमारा सामान लूट ले। अरे यार ये बात तो सही की। ओए मुन्ना तू शॉर्टकट ले चल। ओए बलास गैंग रोड पे हो सकती है, हम अंदर अंदर से चलते हैं। अरे यार भैया अंदर से चलते हैं, गली गली से क्या। ओए मुन्ना सही कहा। अरे यार भैया गली तो आगे बंद है। ओए ये वाली ले ले। चलो गाइस भैया सही बोल रहे हैं वैसे। भैया चलो यार तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, चलो गाइस यहाँ पे चलते हैं। ओ नो गाइस ये क्या। ओए मुन्ना ये तो बलास गैंग यही है। अरे यार भैया ये क्या किया तुमने, सीधा बलास गैंग के सामने लेकर आ गए। ए मामू बाहर निकल, ए मामू बाहर निकल। अरे अरे आ रहा हूँ ये कहा गाइस फंस गए। ए मामू किधर जा रहे ला तू, अपन को खर्चा दे के जाने का क्या। अरे सॉरी भैया गलती से इधर आ गए, हमें जाने दो भैया। ये किसको भैया बोला बे, मैं तेरा रिश्तेदार नहीं है क्या, जल्दी से फटाफट से खाली कर ट्रक का माल। अरे यार भैया लो तुम्हारे चलते हम यहाँ पे फंस गए। ओए मुन्ना क्या हो गया, क्या बोल रहा वो। अरे भैया वो क्या बोलेगा, वो बोल रहा सारा ट्रक का सामान इधर रखने के लिए, अगर हमने यहाँ पे रख दिया अब तो शॉप भी बंद हो गई, अब हम तो भैया भूखे मर जाएंगे। ओए मुन्ना अब क्या करें। चलो मैं फिर से बात करता हूँ। अरे बड़े भैया जाने दो हमें। ये क्या बोला बड़ा भैया बोला, अबे खोपड़ी में गोली मार देना मैंने तेरे। हे भैया अभी क्या करे। ओए मुन्ना ऐसा करते हैं, मैं इनसे लड़ाई करता तू निकल। हे भैया रहने दो, मैं देखता हूँ और तुम निकल जाना। गाइस मैं फटाफट से इन बंदों की काउंटिंग कर लेता हूँ, मेरे पास भी गन है और इनको लगता है मेरी गन सिंगल राउंड। भैया भागो जल्दी भागो भैया। ओए मुन्ना ठीक है संभालियो ने। हे भैया मैं संभाल लूंगा, इनको लगता है मेरे हाथ में पिस्टल है, लेकिन गाइस ये पिस्टल नहीं है, एसएमजी है पूरी की पूरी, अब छोड़ूंगा नहीं। ए मामू क्या कर रहे ला, ए भाग गया वो तो, अबे अटैक कर दिया हमारी गैंग पे। ए भैया निकलो जल्दी। ओए मुन्ना ठीक है। ए गाइस इनकी लगता है गन में बर्फ से जम चुकी है। ए मामू आई ला, मेरी तो बैंड बज गई यार। ए ये ले पट्टे सेट शॉट खा। फाइनली गाइस मैंने बलास गैंग को तो फिनिश कर दिया यहाँ पे, लेकिन यार ये गैंग कोई छोटी मोटी गैंग नहीं, बहुत ही बड़ी गैंग है। यहाँ पे यार गैंग मेंबर और भी आते होंगे, फटाफट से मुझे निकलना चाहिए यहाँ से। भैया तो निकल चुके हैं, अब गाइस कैसे भी करके मुझे भी निकलना है, लेकिन यार मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे अब, इससे पहले बलास गैंग वाले मेरे पीछे लग जाए हाथ धो के। मुझे यार इनके ही गाड़ी से निकलना चाहिए जो कि ये वाला है। मैं चलो चलता हूँ मैं भी अब यहाँ से। फाइनली गाइस ये गाड़ी तो मुझे लगता नहीं इसमें फ्यूल ज़्यादा है। गाइस यार इसके अंदर तो फ्यूल ही नहीं है और मुझे लग रहा है गाड़ी चल भी पाएगी। यार ये है कैसी अजीब सी गाड़ी इनकी। लेकिन जो भी अभी मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। ऐसा करता यार सिमोन का शॉप यहीं पास में है शोरूम, क्यों ना मैं सिमोन को पूछूं कॉल करके। चलो यार सिमोन को कॉल लगाते हैं, देखते सिमोन क्या बोल रहा है। ये रहा नंबर डायल कर दिया। हेलो बोलो आगे क्या हो गया। अरे यार सिमोन मैं बोल रहा हूँ यार, मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी जो कि बर्फ में चल सके। यार शॉप तो हमारा शोरूम बंद है। अरे यार ऐसा मत बोलो यार, शोरूम मुझे भी पता है बंद है, लेकिन कुछ कर सकते हो तुम यार मेरे लिए। ठीक है तुम मेरे दोस्त हो तो आ जाओ फटाफट से शोरूम पे, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी रख रखी है, मैंने गाड़ी है मेरे पास स्नो में चलने वाली। अरे यार क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास गाड़ी भी है। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं सिमोन के शोरूम पे और सिमोन के इधर तो पूरा का पूरा खाली पड़ा है, लगता है सिमोन ने भी अपना शोरूम बंद कर दिया। और गाइस ये क्या गन में अपनी गोली भी खत्म हो चुकी है।
अरे यार गन की भी गोली खत्म हो गई, अब मुझे इस गन को भी फेंकना पड़ेगा। लेकिन गाइस मुझे डर इस चीज का लग रहा है बलास गैंग मेरे ऊपर फिर से अटैक ना कर दे। अगर अटैक कर दिया तो मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, फिर मुझे कौन बचाएगा। ये चलो सबसे पहले मुझे एक नई गाड़ी चाहिए ताकि मैं फटाफट यहाँ से निकल सकूं। अरे होगी आ जाओ अंदर। अरे वाह क्या बात है, इधर तो पूरा गर्मा गर्म लग रहा है, एकदम एक नंबर हीटर चल रहा है। अरे हाँ हाँ बस मैं भी निकलने वाला हूँ, थोड़ी देर के अंदर अपना कैश लेने आया था। अच्छा ठीक है, वो बताओ गाड़ी किधर है। अरे अरे वो देखो गैरेज में। अच्छा ठीक है गाइस, यार हमें गाड़ी मिल चुकी है। ओ भाई ये तो एक स्नो व्हील है भाई, ये तो बर्फ में चलने वाली स्नो व्हील है। वाकई में यार सिमियन का जवाब नहीं यार, हर तरह की गाड़ी मिल जाती है सिमियन के शोरूम पे। और गाइस ये क्या भाई, बालास गैंग के बंदे मेरे सामने आ गए, अभी मुझे इनसे फाइट करना पड़ेगा। लेकिन इनसे फाइट करने का ये लो, यहाँ पे मैं इनके मारने के लिए बर्फ फेंक के मारता हूँ, ये ले टकले पे। गाइस दो को तो मैंने उड़ा दिया, ये दोनों तो बेहोश हो गए, अब इसको भी मारता हूँ, ये ले टकले पे का। ओके गाइस ये भी बेहोश हो गया। हे दोस्तों स्नोबॉल की फाइट हो चुकी स्टार्ट, मेरे पास गन नहीं है। अरे बाप रे, इसको चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अबे सीधी हो जा, अबे तो पलटे जा रही है, अबे सीधी हो। फाइनली गाइस ये तो सीधी हो गई। लेकिन मेरे पास तो गन नहीं है और इनके पास भी गन नहीं है, क्योंकि गाइस बर्फ से इनकी गन जम चुकी है लगता है। तो मैं इनको मारूंगा स्नोबॉल से। ओ नो, तेरे को फेंका, अभी बताता हूँ मैं तुझे। ये ले स्नोबॉल। अरे बाप रे, मेरे को मारा, मुक्का मारा, अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। ये ले, उठ जा यहाँ से। गाइस मैंने इन दोनों को तो लिपटा दिया, अब मुझे चलना है ऊपर की साइड से, निकलते फटाफट से इससे पहले बलास गैंग के और भी मेंबर मेरे पीछे लगे। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। ये क्या गाइस, यार तूफान तो अब लग रहा है, बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है। और गाइस ये क्या, बलास गैंग के मेंबर इतने सारे यहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं। ओ नो, मेरी गाड़ी जाम कर दी, अब मुझे जल्दी से इनको फिनिश करना पड़ेगा। ये लो यहाँ पे स्नोबॉल फाइट हो चुकी स्टार्ट, बर्फ, ये बर्फ के गोले मारूंगा, ठंड में ऐसे मर जाएंगे ये लोग। ये लो, ए गाइस स्नोबॉल फाइट करने का मजा ही कुछ और है, लेकिन यहाँ पे तो रियल फाइट चल रही है। और नो, मेरे को मुक्का मारा, ये ले इसको टकले पे मारूंगा। ये ले, तू भी बेहोश हो जा, बेहोश हो, अबे बेहोश क्यों नहीं होता। ये ले फाइनली गाइस बॉलर्स गैंग के मैंने बहुत सारे मेंबर को गिरा दिया अपने स्नोबॉल फाइट से। आखिरकार गाइस इसमें बॉल फेंकने का तरीका भी अच्छा है मेरा, फाइनली इनको मैंने क्या ही बेहोश कर करके मारा, ये मजा आ गया। ये देखो गाइस इसमें बॉल कितनी कूल लग रही है वैसे, अब यार टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। और यार ये देखो रास्ते में, अबे ये कहां से बन गया, लगता है बालाज गैंग ने बनाया होगा। गाइस यहाँ पे देखो बर्फ जमने स्टार्ट हो चुकी है, ये देखो रोड पे बर्फ ही बर्फ लग गई है। ओ गाइस जल्दी से मुझे घर जाना चाहिए, इससे पहले बर्फ ही बर्फ आ जाए हर जगह। ए भैया और सेंचन तो घर पे पहुंच भी चुके होंगे, और ये तूफान काफी ज्यादा पास आ चुका है, और मुझे जल्दी निकलना चाहिए इससे पहले ये तूफान धीरे धीरे करके सबको बर्फ में जमा दे, क्योंकि बर्फ कुछ ज्यादा ही तेज गिरने लगी है। गाइस अगर इतनी तेजी में बर्फ गिरती रही तो यहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ जम जाएगी, और पूरा का पूरा लॉस सेंटर्स बर्फ के अंदर दफन हो जाएगा। ए मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा भैया और सेंचन के पास में। गाइस अब तो घर के अंदर बंकर बनने वाला है, क्योंकि यार पूरी ऊपर से बर्फ भर जाएगी। चलो चलते हैं। यार ये क्या हो गया, बस साथ में बारिश भी हो गई, मतलब कि अब तो डबल बर्फ गिर गई होगी। ओ नो गाइस ये क्या, यार ये कहां में फंस गया। ए मेरे स्नोवेल निकल। फाइनली गाइस यार अपन लकी थे जो कि यहाँ से स्नोवेल निकल गई। और ये देखो यार यहाँ पे रास्ते में पूरा का पूरा बर्फ जमा पड़ा है। अरे यार लगता है ऊपर से बर्फ ज्यादा तेजी से आ रही है क्या, यहाँ पे रास्ते में हर जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही मुझे। ओ नो गाइस अभी तो मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे बारिश भी हुई है और साथ में बर्फ भी गिर गई। और बर्फ रुकने का नाम नहीं लिया, अगर ऐसी बर्फ गिरती रही तो गाइस पूरा का पूरा अपना घर भी ढक गया होगा। हे इससे पहले मैं यार यहीं कहीं फंस जाऊँ, मुझे जल्दी चलने चाहिए घर में। अब एक ऐसी स्नोवील है यार, स्नोवील चलाना भी बहुत ही ज्यादा टफ काम है, बार बार पलट जा रही है। अबे सीधी हो जाए स्नोवील, क्या कर रही है, प्लीज प्लीज सीधी हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो। फाइनली गाइस ऐसे तो हमने सीधा कर दिया। हे चलो चलते अभी। अरे बाप रे ये क्या, इधर भी रास्ता जम गया। ओ नो गाइस लगता है बर्फ तो कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। अरे 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 बाप रे, ये क्या कर रहा है बंदा, कुत्ते को घुमा रहा है, अभी लगता है ये भी बर्फ में जमेगा।
गाइस देख रहे हो घर यहाँ पे बर्फ ही बर्फ में भर गए हैं। हाँ कहीं हमारा घर भी बर्फ में ना भर गया हो। नो मुझे तब ज्यादा डर लग रहा है। चलो चलते हैं फटाफट से यार, मैं कुछ ज्यादा लेट हो गया। ये नो 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 ये क्या? अरे यार जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे बर्फ बहुत ही ज्यादा बढ़ते चले आ रहे। गाइस लगता है तूफान बहुत ही ज्यादा तगड़े में आ गए है। अरे यार ये क्या, मेरी स्नो व्हील भी फंसी। कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। मैं कैसे भी करके निकलूंगा। अरे बाप रे ये क्या, भैया मैं आ गया। नो गाइस ये क्या, अरे बाप रे ये क्या हो गया। भैया ये क्या, अपना घर गाइस पूरा बर्फ से ढक गया। अरे यार ये तो मैंने सोचा नहीं था कि बर्फ से हमारा पूरा घर ढक जाएगा। अरे यार ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो चुकी है। ए कोई है क्या, अपना ट्रक भी यहाँ फंसा पड़ा अंदर। भैया सिंचन अंदर हो क्या? ओह नो गाइस ये नहीं हो सकता, भैया और सिंचन कहीं घर के अंदर तो नहीं फंस गए और ऊपर से बर्फ भर गई। अरे यार अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे तो पूरा का पूरा बर्फ भरा पड़ा है यार। घर तो पूरा बर्फ से ढक गया है, अब मैं इन बर्फ को हटा नहीं सकता। जब तक ये बर्फ खुद से पिघल के हटे ना गाइस, यार ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। और भैया सिंचन का पता नहीं, और यार हमारा ट्रक भी बाहर खड़ा है, मतलब कि भैया सिंचन घर ही में हो सकते हैं। इसका मतलब कि भैया और सिंचन घर के अंदर बंद हो गए क्या? ये भैया मेरी आवाज आ रही है? अरे यार ये लोग मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रहे लग रहा है। अभी मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। चलो यार गाइस मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ, क्यों ना मैं जाऊँ ट्रेवर के घर पे। हो सकता है ये लोग ट्रेवर के घर पे चले गए हो या माइकल के घर पे। यार लेकिन गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है। भैया सिंचन अंदर तो नहीं फंसे? अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई, लगता है भैया और सिंचन घर के अंदर फंस गए हैं। अभी यार मैं जाऊँ तो जाए कहाँ पे? यार मैं जाता हूँ, ऐसा करता हूँ ट्रेवर के घर पे चलता हूँ, मैं ड्राइवर से हेल्प लेने चलता हूँ। यार ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है। भैया और सिंचन अंदर ही फंस गए घर के, मुझे कैसे भी करके इस बर्फ को हटाना पड़ेगा। बर्फ को हटाने के लिए मुझे चाहिए होगा यार ये जो क्या आती है ट्रक, स्नो हटाने वाला ट्रक से शायद काम बन जाए। चलो 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 चलो, अरे 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 नहीं 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 यार ये गाड़ी क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये किसका फोन आ रहा है? ओए मुन्ना ये मैं बोल रहा हूँ। भैया तुम घर के अंदर से बोल रहे हो? ओए नहीं नहीं घर के अंदर नहीं हूँ मैं कदे कह के। अरे भैया तो फिर कहाँ हो? ओए मैं तेरे को अपने लोकेशन देता हूँ, यहाँ पे आजा, देख दिख रही तेरे को? अरे हाँ भैया लोकेशन मुझे मिल गई तुम्हारी। तुम वैसे वहाँ क्या कर रहे हो? ओए तू पहले पहुँच फिर बताता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे भैया बात तो सुनो। ये कॉल भी कट कर दिया। अरे यार मुझे पूछना था क्या भैया के साथ सिंचन भी है कि अलग है? चलो गाइस भैया ठीक है, तो शायद सिंचन भी ठीक ही होगा भैया के साथ में। अभी मुझे यार राहत सी मिले, क्योंकि यार मेरे दोनों दोस्त, मतलब मेरा भाई और दोस्त दोनों के दोनों ठीक है। ओके गाइस अब मुझे यहाँ से निकलना है। और ये देखो भाई तूफान का असर देख रहे हो गाइस, यहाँ पे पूरा का पूरा लॉस सैंटोस में एकदम स्नो छा गया है। ओह नो गाइस देख रहे हो पूरा का पूरा वाइट हो चुका है यार, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। और ये देखो इतने ऊंचे ऊंचे स्नो के पहाड़ भी बन चुके हैं। अच्छा भाई मैं स्नो व्हील से आ गया, स्नो व्हील है भाई, नहीं तो अभी गाड़ी वगैरह होती ना तो गाड़ी तो यहाँ से पक्का फिसल के खाई में ही गिर जाती और फिर गेम ओवर भी आता। लेकिन गाइस स्नो व्हील के लिए तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसा रोड, ये देख रहे हो क्या मस्त स्नो व्हील चल रही, मजे आ गया। वाकई में यार सिमियोन को मैं पप्पी दे दूँ, उसने मुझे ये स्नो व्हील दे दी। अगर गाड़ी होती तो मैं कभी भी पहुंच ही नहीं पाता यार, जब तक मैं आता तूफान में ढक जाता पता चलता। बर्फ के अंदर ही यार स्नो व्हील वैसे काफी सही है बर्फ के ऊपर चलाने के लिए। गाइस देख रहे हो कितनी मस्त चल रही है वैसे। एकदम दिल खुश कर दिया मेरा इस स्नो व्हील ने, ये क्या मजा आ रहा है यार स्नो व्हील में राइड करके, वाकई में बहुत ही सही मजा आ रहा है गाइस। यार ये देख रहे हो वाकई में भैया और सिंचन भी मेरे साथ होते हैं, बहुत ही सही मजा आता है ये देख रहे हो। लेकिन मुझे ठंड भी साथ में लगी रही है, लेकिन गाइस ठंड के साथ में ये मजा भी तो मिलना जरूरी है ना। ये देख रहे हो कितना रह रहा है, रुक जाओ यहाँ पे लगता है बर्फ थोड़ी सी कम थी इसलिए चढ़ी नहीं, तो मुझे वहाँ चढ़ाए जहाँ पे बर्फ थोड़ी ज्यादा हो।
और गाइस बर्फ अभी भी नॉन स्टॉप पड़ती आ रही है। अगर ऐसे ऐसे पड़ता रहा तो मेज बैंक बिल्डिंग तो मुझे लगता है आधा कवर हो चुका है। लेकिन गाइस वहाँ से पूरे लोग भाग चुके हैं, कई लोग अपनी दूसरी कंट्री में चले गए, कई लोग विलेज साइड चले गए, कई लोग यार बंकर वगैरह में चले गए। लेकिन गाइस ये भैया और सिंचन कहाँ गए? ये तो एक पहाड़ी पे लोकेशन दिखा रहा है, ये पहाड़ी के ऊपर क्या कर रहे हैं? वैसे पहाड़ पे तो ज़्यादा बर्फ गिरती है। अरे यार ये पहाड़ पे इनकी लोकेशन कहाँ दिखा रहा है? ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ कुछ ना कुछ है यार। ओए मुन्ना तू है, जल्दी आ जा अंदर, ये ले। अरे यार यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, ये कैसा सीक्रेट केव बना रखा है, बेस है। ओए मुन्ना अंदर आ जल्दी। ए भैया क्या बात है गाइस, यहाँ पे इतने सारे फल फ्रूट और यहाँ पे तो लग रहा है फुल पार्टी चल रही है। अरे यार ट्रेवर यहाँ पे क्या कर रहे हो? ओए मुन्ना मैं बताता हूँ आखिरकार कहानी क्या हुई। ए भैया क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? ओए मुन्ना वही तो बता रहा हूँ सुन ले। ओए हम लोग पहले ऐसे घर पे पहुँचे ना, वहाँ पे ट्रेवर मिल गया हमें, क्योंकि ट्रेवर भी आया था घर पे। ए भैया फिर तुम लोग ट्रेवर के साथ में सीक्रेट केव में आ गए जो कि ट्रेवर ने बनाई है, और ये क्या साथ में तुमने क्या बैंक वगैरह भी लूट लिया क्या, इतना सारा गोल्ड रखा है? ओए मुन्ना बैंक खाली मिल गया तो बैंक का सामान भी लेकर आ गए, और साथ में इतना सारा खाना भी है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। वे पूरा का पूरा आप यहाँ पे एक महीना नहीं एक साल रह सकते, इतना खाना है। अरे यार वैसे यार काफी बढ़िया बेस बनाया ट्रेवर ने, वाह मजे आ गया। अरे यार मजा आ गया ना, ऐसे बेस में बनाता हूँ मजा इधर। अच्छा ठीक है गाइस यहाँ पे बेडरूम भी है, मास्टर बेडरूम। वाकई में यार बहुत ही बढ़िया ट्रेवर ने काम किया है, वैसे मजे आ गया ट्रेवर। तो दोस्तों एक लाइक ट्रेवर के लिए बनता है, क्योंकि आज ट्रेवर ने हम लोगों को बचा लिया, नहीं तो हमारी कुल्फी जम जाती बाहर वेदर में ठंडे मौसम के अंदर। तो गाइस ट्रेवर के लिए फटाफट से ट्रेवर ओपी कमेंट में लिख दो, और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।